फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके अजीबोगरीब शौक की वजह से अरबों रुपए खर्च कर दिए। इन लोगों के इन शौक को जानने के बाद आप यकीन नहीं कर पाओगे, तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। डायमंड कार। सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने अपने शौक को पूरा करने के लिए 360 करोड़ रुपए से जायद लगा दिए। सऊदी अरब के इस प्रिंस ने अपनी गाड़ी के हर एक हिस्से के ऊपर डायमंड लगाए हुए हैं और ये कार दुनिया के महंगी तरीन कारों में से एक है। ये भी कहा जाता है कि वलीद बिन तलाल इस गाड़ी से पैसे भी कमाने लगे है। जो भी इस गाड़ी के नजदीक जाएगा उसके अपने चार्जेस है और इस गाड़ी के साथ सेल्फी निकालना उसके अलग से चार्जेस है और इस गाड़ी को ड्राइव करने के अपने चार्जेस है। सऊदी अरब के इस शहजादे के लिए ये कार अब एक बिजनेस बन चुका है। डिजाइनर की इस खूबसूरत महारत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। जोसलीन। अमेरिका में मौजूद ये लड़की इससे पहले कुछ और तरह की दिखती थी, लेकिन सर्जरी के बाद आजकल वो बिल्लियों की तरह दिखने लगी है। इस लड़की को केट हुमन के नाम से भी जाना जाता है। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए अब तक इसने 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस लड़की के शोहर को बिल्लियां बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से इस लड़की ने बिल्लियों जैसा दिखने के लिए बहुत सारी सर्जरियां करवाई और रिजल्ट आपके सामने है। आप क्या कहते हो कि क्या ये सर्जरी से पहले खूबसूरत थी या सर्जरी के बाद खूबसूरत है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ब्रुनेई मुल्क के सुल्तान अपने अजीबोगरीब शौक की वजह से बहुत मशहूर है। उसके बारे में हम आपको बताते चले कि एक दिन लंदन में मौजूद बार्बर को बाल कटवाने के लिए 14 लाख रुपए दिए। ये पहली दफा नहीं है कि ब्रुनेई के सुल्तान ने अपने शौक के लिए इतना सारा पैसा उड़ा दिया। यहाँ तक कि सुल्तान के पास स्टार ऑफ इंडिया के नाम से एक कार है जिसकी कीमत 105 करोड़ है और इस कार को इस सुल्तान ने एक नीलामी में खरीदा था जो कि इससे पहले राजकोट के एक महाराजा के पास थी। फ्रेंड, इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।